हेलो डियर स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज हम 10th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 9th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है भोली। और बच्चों, जैसा कि टाइटल से ही पता लग रहा है कि ये एक भोली भाली लड़की की कहानी है, लेकिन वो भोली भाली लड़की भी ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट बोल्ड बन जाती है, और वो भी किसकी हेल्प से? एक टीचर की हेल्प से। तो बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि किसी भी स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर देने में एक टीचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट कहानी को, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि इसके राइटर कौन हैं। इस कहानी को लिखा है फेमस इंडियन राइटर के ए अब्बास ने। सो नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। हर नेम वॉज सुलेखा, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. Simpleton means a foolish person. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन हर कोई उसे बचपन से ही भोली बुद्धू कहता था। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। वो गांव के नंबरदार जिसका नाम था रामलाल, उसकी चौथी बेटी थी। इसका मतलब रामलाल के पास पहले से ही तीन बेटियां थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से सिर के बल पर गिर पड़ी और शायद इसी वजह से उसके दिमाग का कोई हिस्सा उसे चोट लग गई थी। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और चोट लगने की वजह से ही उसके दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ और वो पिछड़ी बच्ची रह गई। इसी वजह से सब लोग उसे भोली कहते थे। At birth, the child was very fair and pretty. जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत ही सुंदर प्यारी सी थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसे smallpox हो गया। smallpox, जिसे आम भाषा में हम चेचक कहते हैं, इस बीमारी में बुखार हो जाता है और पूरी बॉडी पर दाने निकल आते हैं, जो ठीक होने के बाद भी कोई निशान जो है बॉडी के ऊपर छोड़ जाते हैं। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. केवल उसकी आंखें ही बची थी, बाकी पूरी बॉडी पर काले रंग के चेचक के निशान रह गए थे। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. छोटी सी सुलेखा बोल ही नहीं पाई थी जब तक कि वो 5 साल की थी, और उसके बाद जब उसने बोलना सीखा तो क्या हुआ, वो हकलाती थी। तो बच्चों, इस तरीके से भोली में आम बच्चों की तुलना में बहुत सारी कमियां रह गई थी। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. अब बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और सबसे छोटी थी भोली। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. Prosperous means wealthy. ये एक अमीर किसान का घर था और उनके घर में बहुत कुछ खाने पीने को था। All the children except Bholi were healthy and strong. भोली को छोड़कर बाकी सारे बच्चे बहुत ही हेल्थी थे, स्ट्रॉन्ग भी थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. बेटों को तो पढ़ने के लिए शहर में स्कूलों में भेजा गया और उसके बाद कॉलेजेस में भेज दिया गया। Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. बेटियों में से राधा जो सबसे बड़ी थी, उसकी तो पहले से ही शादी हो चुकी थी। The second daughter, Mangla's marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. अब दूसरी बेटी का नाम था मंगला, उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी और उसके बाद रामलाल सोचने लगा था अपनी तीसरी बेटी जिसका नाम चंपा था, उसकी शादी के बारे में। दे वर गुड लुकिंग हेल्थी गर्ल्स, वे तीनों बहुत ही सुंदर दिखने वाली थी, हेल्थी थी, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और इसीलिए उनके लिए दूल्हे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल की चिंता का विषय तो थी भोली। She had neither good looks nor intelligence, क्योंकि ना ही तो वो दिखने में सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो उस समय भोली 7 साल की थी।
द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज, और उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और इस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए, इसके उद्घाटन के लिए गांव में तहसीलदार साहिब आए। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। अब तहसीलदार साहब ने रामलाल को कहा, क्योंकि तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, तुम राजस्व अधिकारी हो, तो तुम्हें तो गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। और उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से इस बारे में बातचीत की, तो वो गुस्से में चीख उठी, क्या तुम पागल हो गए हो, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। तो बच्चों, इससे हमें पता लगता है कि उस समय लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना एक डिसग्रेसफुल काम माना जाता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी वाइफ बोली, I will tell you what to do. मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। Send Bholi to school as it is. There is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. एक काम करते हैं, Bholi को स्कूल में भेज देते हैं, क्योंकि उसकी शादी होने का तो कम चांस है, उसका फेस भी बहुत ही भद्दा है, उसमें समझ भी नहीं है, तो स्कूल में उसके टीचर से उसकी चिंता कर लेंगे। अब रामलाल ने अपनी वाइफ की बात मान ली और Bholi को स्कूल की तरफ लेकर चल पड़ा। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट Bholi बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। अगले दिन रामलाल ने Bholi का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगा। Bholi वॉज फ्राइटेंड, Bholi डर गई, शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे तो पता भी नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे याद आया कैसे कुछ दिनों पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। तो Bholi के मन में डर था कि उसके फादर उसे कहीं लेकर जा रहे हैं, तो कहीं उसके साथ भी कुछ गलत तो नहीं होने वाला। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, वो डर के मारे चीखी और उसने अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप से छुड़वा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। अब रामलाल चिल्लाया कि पागल लड़की, क्या बात है, मैं तुम्हें केवल स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तब उसने अपनी वाइफ को कहा कि इसे आज पहनने के लिए कुछ अच्छे से कपड़े दे दो, नहीं तो टीचर्स और बाकी स्कूल की लड़कियाँ हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो Bholi को देखेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर Bholi, Bholi के लिए नए कपड़े तो कभी भी नहीं बनाए गए थे। दी ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसे हमेशा अपनी बहनों के पुराने कपड़े दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, किसी ने आज तक परवाह ही नहीं की थी कि उसके फटे पुराने कपड़ों की रिपेयर कर दिया जाए या धो दिया जाए। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक After many washings and no longer fitted Champa, लेकिन आज तो वो बहुत ही लकी थी क्योंकि उसको पहनने के लिए साफ सुथरी ड्रेस मिल रही थी जो कि बहुत बार धोने की वजह से सिकुड़ गई थी और अब चंपा को नहीं आती थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. आज तो उसे नहलाया भी गया था और उसके सूखे उलझे बालों में तेल भी लगाया गया था। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और जब कुछ उसने सारा कुछ ये देखा कि उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, तेल लगाया जा रहा है, तभी उसे यकीन हुआ कि उसे घर से किसी बेटर प्लेस, बेहतर जगह पर ले जाया जा रहा था। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब स्कूल में पहुँचे तो बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी Bholi को हेडमिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज, अकेले छोड़े जाने पर बेचारी Bholi, उसने डरी हुई आंखों से इधर उधर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स।
अब स्कूल में बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में उसके जैसे ही लड़कियां मैट्स पर आलती पालती लगाकर बैठी हुई थी, जो बुक्स में से पढ़ रही थी या फिर स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को कहा कि एक क्लासरूम में जाकर एक कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपन्ड देयर, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। अब भोली को तो ये पता ही नहीं था कि एक स्कूल एग्जैक्टली होता कैसा है और वहाँ पर क्या होता है, लेकिन वो ये देखकर खुश थी कि उसके जैसी ही उसकी ही हम उम्र लड़कियाँ वहाँ पर स्कूल में प्रेजेंट थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे उम्मीद थी कि इन लड़कियों में से कोई ना कोई तो उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अब जो क्लास में लेडी टीचर थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली जो अनपढ़ थी जिसने कुछ भी नहीं देखा था स्कूल के बारे में, उसे टीचर की कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। अब उसने क्लासरूम में दीवार पर लगी हुई पिक्चर्स की तरफ देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और इन कलर्स ने भोली को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। घोड़ा ब्राउन कलर का था और वैसा ही था जैसे घोड़े पर तहसीलदार बैठकर उनके गांव में आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और बकरी काली थी जैसे कि उनके पड़ोस में बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। पैरट ग्रीन कलर का था और वैसा ही था जैसे उसने आम के बगीचे में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गायें बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी ही थी। अब भोली जिसने कभी भी स्कूल देखा ही नहीं था तो एक तरीके से रिजेम्बलेंस ढूंढ रही थी। वो पिक्चर्स को देखकर ये ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि उसने ऐसी ही चीज़ें कहाँ कहाँ पर देखी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक से भोली ने नोटिस किया कि टीचर तो उसके साइड में ही खड़ी थी और उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी। What's your name, little one? टीचर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। भो She could stammer no further than that. लेकिन बेचारी भोली वो तो हकला गई, अपना नाम नहीं बोल पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और उसके बाद वो रोने लग गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब उसने अपना सिर नीचे ही रखा, जैसे वो कोने में बैठी थी उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऊपर अपना सिर उठाकर अपनी नज़रें उठाकर देखे, क्योंकि उसको पता था कि सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी, उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls screamed out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. और जब स्कूल की बैल बजी, इसका मतलब जब उनकी छुट्टी हो गई, तो सभी लड़कियां जल्दी से क्लासरूम से निकल गई। स्क्रीड मीन्स मूव हरीडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स। लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने उस कोने को छोड़ पाए। हर हेड स्टिल लोअर्ड शी केप्ट ऑन सोबिंग। उसका सिर अभी भी नीचे ही झुका हुआ था और वो सुबक रही थी। और तभी टीचर ने उसको उसके नाम से बुलाया, भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी, जेंटल माइल्ड थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपनी पूरी जिंदगी में भोली ने अपना नाम इतनी सॉफ्टनेस के साथ कभी नहीं सुना था। इट टच्ड हर हार्ट, और यही आवाज़ सॉफ्ट कॉल उसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, क्योंकि ये कोई आदेश नहीं था बल्कि टीचर बहुत ही फ्रेंडली वे में उसको उठने के लिए कह रही थी, तो भोली अपनी सीट से उठी। नाउ टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। भोली डरी हुई थी तो उसके सारे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जुबान उसको फिर से डिस्ग्रेस कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमन However, she decided to make an effort. लेकिन इस दयालु औरत के लिए, यानी कि इतनी अच्छी टीचर के लिए, उसने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से कोशिश करेगी।
She had such a soothing voice. She would not laugh at her. क्योंकि टीचर की वॉइस बहुत ही सॉफ्ट थी और टीचर उस पर हंसेगी भी नहीं, उसका मजाक भी नहीं उड़ा रही थी. तो भोली ने फिर से कोशिश की. शी बिगेन टू स्टैमर, लेकिन भोली से नहीं बोला गया. फिर से वो हकलाने लगी. वेल डन वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर. कम ऑन नाउ द फुल नेम. लेकिन टीचर बहुत ही अच्छी थी. टीचर उसे मोटिवेट कर रही थी, उसे शाबाशी दे रही थी और उसे पूरा नाम बोलने के लिए मोटिवेट कर रही थी. भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट. और अंत में भोली अपना पूरा नाम लेने में सफल हो गई. एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. और भोली भी बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी, मानो उसे बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिल गई थी. वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. टीचर ने उसे शाबाशी देते हुए कहा कि अपने डर को दिल से निकाल दो और जैसे बाकी लोग बोल पाते हैं, तुम भी वैसे ही बोल पाओगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली. भोली ने टीचर की तरफ देखा, मानो वो पूछ रही थी क्या सचमुच ऐसा होगा. यस यस, इट विल बी वेरी इजी. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम. हाँ हाँ, ये बिल्कुल होगा, ये बहुत ही आसान है. तुम बस हर रोज स्कूल में आओ, क्या तुम आओगी. भोली नॉडेड. भोली ने हाँ में सिर हिला दिया. नो, सेड अलाउड. टीचर ने कहा कि गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, इसको बोल के बताओ. ये यस. एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू सेड. भोली खुद ही हैरान थी कि वो सही ढंग से आंसर दे रही थी और उसने हाँ में उत्तर दे दिया था. Didn't I tell you? Now take this book. अब टीचर से कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपना नाम अच्छे से बोल पाओगी, तुम बाकी बातें दूसरे लोगों की तरह अच्छे से बोल पाओगी. चलो अब इस बुक को लो. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. बुक में बहुत ही सुंदर और कलरफुल पिक्चर्स थी, जिसमें कि डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और लक्ष्मी की जैसे दिखने वाली एक गाय थी. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. और हर तस्वीर के सामने बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में एक शब्द लिखा गया था. इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. जब भोली ने बुक को देखा तो टीचर ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा कि तुम एक महीने में ये सारी बुक पढ़ पाओगी. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. और उसके बाद मैं तुम्हें इससे एक बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी एक बड़ी बुक. In time, you will be more learned than anyone else in the village. और समय के साथ साथ तुम गांव में बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी. लर्निड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ही नॉलेज गेन कर ली हो और वो भी पढ़ाई के द्वारा. Then no one will ever be able to laugh at you. और फिर उसके बाद कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग तुम्हारी बातों को सम्मान के साथ सुनेंगे और तुम बिना हकलाए अच्छे से अपनी बातों को कह पाओगी. Understand? समझ गई? Now go home and come back early tomorrow morning. अब घर जाओ और कल सुबह वापस यहाँ पर आना. भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. और भोली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो अचानक से गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही हों और स्कूल हाउस के सामने वाले पेड़ पर बड़े बड़े लाल फूल खिलाए हों. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. उसके दिल में एक नई उम्मीद, नई लाइफ के प्रति एक आशा की किरण जग गई थी. तो उसका दिल नई उम्मीद से, नई लाइफ के बारे में सोचकर खुशी से धड़क रहा था. Thus the years passed, और इस प्रकार कई साल बीत गए. The village became a small town, गांव एक छोटे से टाउन में बदल गया था. The little primary school became a high school, छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब एक हाई स्कूल बन गया था. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. एक टिन शेड के नीचे अब सिनेमा था और मिल भी थी, जहाँ पर कॉटन को
सीट से सेपरेट करने के लिए मशीनें लगी हुई थी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. मेल ट्रेन मीन्स एक फास्ट ट्रेन जो मेल्स को कैरी करती है. अब उनके रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन भी रुकने लग गई थी. तो ये बताया गया है कि समय के साथ साथ गांव में क्या चेंजेस आ गए थे. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, तो क्या मैं बिशंबर के प्रपोजल को स्वीकार कर लूं? बच्चों अब हो रही है एक नए कैरेक्टर की एंट्री. आइए देखते हैं कि ये बिशंबर कौन है और इसने रामलाल को क्या प्रपोजल दिया है. यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. उसके वाइफ ने कहा कि हाँ निश्चित रूप से तुम बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. भोली लकी होगी कि उसे इतना अच्छा पैसे वाला दुल्हा मिलेगा. वेल टू डू मीन्स जो बहुत ही पैसे वाला है, जिसका काम अच्छे से चलता है. अ बिग शॉप अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. उसकी एक बड़ी सी दुकान है, उसका अपना मकान है और मैंने तो सुना है बैंक में कई हजारों रुपए भी हैं उसके. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. और इसके साथ साथ वो कोई दहेज की डिमांड भी नहीं कर रहा है. दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्प्स. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. अब रामलाल ने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन वो यंग नहीं है. तुम्हें पता है उसकी उम्र लगभग उतनी ही है जितने की मेरी है और वो थोड़ा लंगड़ाता भी है. इसके साथ साथ उसकी पहली वाइफ के बच्चे अब बड़े भी हो गए हैं. सो वॉट डज इट मैटर हिज वाइफ रिप्लाइड. उसकी वाइफ ने उत्तर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है. 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. एक आदमी के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं है. वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. हम तो लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है. उसे पता ही नहीं कि भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स है और ना ही उसे कोई समझ है. इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. अगर हमने ये प्रपोजल स्वीकार नहीं किया तो वो पूरी जिंदगी अनमैरिड रह सकती है. उससे तो कोई शादी ही नहीं करेगा. यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से. हाँ तुम जो कह रही हो ठीक कह रही हो लेकिन मैं हैरान हूँ कि भोली क्या कहेगी. वो क्या सोचेगी कि हमने उसके लिए कैसा दुल्हा ढूंढा है. वॉट विल दैट विटलेस वन से. शी इज लाइक ए डम काउ. अरे वो मूर्ख क्या कहेगी, वो तो गूंगी गाय है. मे बी यू आर राइट मटर रामलाल. रामलाल बड़बड़ाया कि हो सकता है तुम ठीक कह रही हो. इन दी अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन. आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई थी और वो अपने पेरेंट्स की इस विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन को, धीमी आवाज में की गई डिस्कशन को सुन रही थी. बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. ग्रोसर मीन्स पंसारी, वो व्यक्ति जो फूड या दूसरे हाउस होल्ड गुड्स को बेचता है. बिशंबर नाथ पैसे वाला पंसारी था. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग. और वो शादी में बहुत सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदारों की बारात लेकर आया. अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड होर्स. और अब बारात के आगे आगे एक ब्रास बैंड जो कि इंडियन फिल्म की पॉपुलर ट्यून को बजा रहा था और दुल्हा एक डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था. तो इस तरीके से बताया गया है कि भोली की बारात उसके घर में पहुंच गई थी. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. पॉम्प एंड स्प्लेंडर मीन्स शानो शौकत. रामलाल बहुत ही खुश था इतनी शानो शौकत को देख कर. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी होगी. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. Envious means jealous. भोली की बड़ी बहनें जो उसकी शादी अटेंड करने के लिए आई हुई थी वो उसकी किस्मत से थोड़ा जल भूल रही थी, जेलस महसूस कर रही थी. When the auspicious moment came, the priest said,
ब्रिंग द ब्राइड। और जब वो शुभ घड़ी आई तो पुजारी ने कहा दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। भोली जिसने रेड सिल्कन दुल्हन की ड्रेस डाली हुई थी उसे पवित्र फेरों की अग्नि के सामने दुल्हन वाली जगह पर लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। विशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने कहा कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स। दुल्हे ने येलो मैरी गोल्ड्स वाली माला उठा ली। अ वूमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत ने दुल्हन के चेहरे पर जो घूंघट था उसे सरका दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस और विशंबर ने एक जल्दी से नजर डाली दुल्हन के चेहरे पर। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स और माला उसके हाथों में ही अटकी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस और दुल्हन ने अपने चेहरे पर घूंघट वापस से डाल लिया। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। बिशंबर ने अपने एक फ्रेंड को जो उसके साथ में ही बैठा था उसको कहा क्या तुमने उसे देखा है उसके चेहरे पर चेचक के निशान है। सो वॉट यू आर नॉट यंग आइदर। फ्रेंड ने कहा फिर क्या हुआ तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 rupees। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो लेकिन अगर मैं उससे शादी करूंगा तो उसके फादर को मुझे 5,000 rupees देने पड़ेंगे। तो बच्चों इस तरीके से विशंबर नाथ अब डाउरी की डिमांड करने वाला है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ओनर एट विशंबर्स फीट। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे तो इसीलिए उसने अपनी पगड़ी अपना मान सम्मान विशंबर के कदमों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो टेक 2,000 rupees। और उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी ऐसे बेइज्जती मत करो तुम 2,000 rupees ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर। लेकिन विशंबर नाथ उसने क्या आंसर दिया नहीं हमें 5,000 ही चाहिए नहीं तो हम वापस चले जाएंगे अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। बेचारा रामलाल वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम थोड़ा बहुत तो ध्यान रखो अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपना चेहरा गांव में दोबारा कभी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5,000 तो ठीक है 5,000 निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस रामलाल वेंट इन ओपन्ड द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। बेचारा रामलाल अब वो रोए जा रहा था उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। और ऐसी सिचुएशन में रामलाल अंदर गया अपनी सेफ खोली और उसने नोट्स गिने और जितने भी पैसे उसके पास थे उसने सारा बंडल अब जो है दूल्हे के कदमों में रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। विशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन उसने तो एक जुआ खेला था जिसमें वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड और उसने अनाउंसमेंट की कि लाओ मुझे माला दे दो क्योंकि अब उसे पैसे मिल चुके थे। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट को सरकाया गया लेकिन इस बार उसकी नजरें नीचे की तरफ नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आईज देर वॉज नाइदर एंगर नोर हेट ओनली कॉल्ड कॉन्टेम्प्ट। वह ऊपर देख रही थी बिल्कुल सीधे अपने भावी हस्बैंड की तरफ और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था ना ही नफरत थी केवल और केवल कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट मीन्स डिसरिस्पेक्ट तो उसके मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था विशंबर के लिए। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर ने माला को उठाया ताकि वो दुल्हन के गले में इसे डाल सके बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। विशंबर भोली के गले में माला डाल पाता उससे पहले ही भोली का हाथ बिजली की स्ट्रीक की तरह उठा और माला आग में जा गिरी। वह उठी और उसने घूंघट को हटा दिया। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक
without even the slightest stammer, Abholi ne bilkul clear voice mein aur loud voice mein kaha, Pitaji. Aur jaise usne kaha, to uske father, mother, sisters, bhai, rishtedar, padosi, sab hairan reh gaye, kyunki Bholi bina haklaye clear voice mein bol rahi thi, Pitaji, take back your money. I am not going to marry this man. Pitaji, apne paise wapis le lo. Main is aadmi se shaadi nahi karungi. Ramlal was thunderstruck. The guest began to whisper. So shameless, so ugly and so shameless. Aur Bholi ki baat sunkar, Ramlal hairan reh gaya. Shaadi mein jo mehman aaye hue the, wo bhi kanafusi karne lage ki aray, itni besharam, itni bhaddi dikhne wali, lekin kaisi shameless baate kar rahi hai. Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. Ramlal chillaya. Bholi, kya tum pagal ho gayi ho? You want to disgrace your family. Tum apni family ki bezati karna chahti ho. Have some regard for our ijjat. Hamari ijjat ki thodi parwah karo. For the sake of your ijjat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man. Bholi ne kaha, aapki ijjat ki khatir hi, main is langde budhe aadmi se shaadi karne ke liye tayyar thi. But I will not have such a mean, greedy, contemptible coward as my husband. I won't. Lekin main ek aise neech, lalchi aur ghrana ke layak kayar vyakti ko apne husband ke roop mein swikar nahi karungi. Main aisa bilkul nahi karungi. Bholi ne bilkul drid, determined, clear voice mein apna nirnay de diya tha ki wo aise lalchi aadmi se shaadi hargiz nahi karegi. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Aur saath mein hi ek boodhi aurat khadi thi. Usne kya kaha ki dekho kitni besharam ladki hai. Humne to socha tha ki ye gungi gaay hai jo kisi ka nuksan nahi kar sakti. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you're right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? Ab Bholi bahut hi gusse mein thi, to wo bilkul violent mood mein boodhi aurat ki taraf mudi aur boli, haan aunty, aap theek keh rahi hain. Aap sab ne socha tha ki main ek gungi gaay hu aur isiliye aap sab mujhe is nirday prani ko saup dena chahte the, lekin ab gungi gaay haklane wali murkh ladki bol rahi hai. Kya aap mujhse aur baatein sunna chahti hain? तो इस तरीके से भोली ने सब लोगों को चुप करवा दिया. विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. विशंबरनाथ पंसारी अब अपनी सारी पार्टी के साथ वापस जाने लगा. द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग. अब बैंड्समैन कंफ्यूज थे, उन्होंने सोचा कि सेरेमनी अब खत्म हो गई है, तो उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम. रामलाल तो मानो शर्म से, दुख से जमीन में ही गड़ गया था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन. फेरे की पवित्र अग्नि की लपटे अब धीरे धीरे बुझ गई थी. एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था. रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. व्हाट शैल वी डू विद यू? रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? कोई तुमसे शादी ही नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी. और सुलेखा, जिसने अब बड़ी शांत आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न्ड सो मच. इजंट दैट राइट मैम? और अब भोली ने क्या कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैम, क्या ये बात सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. टीचर इस सारे समय में इस ड्रामा को देखती हुई एक कोने में खड़ी थी. यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड. उसने उत्तर दिया, हाँ भोली, निसंदेह तुम ये सारी बातें बिल्कुल ठीक कह रही हो. एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स वेन कॉन्टेम्पलेटिंग द कम्प्लीशन
ऑफ हर मास्टरपीस। और टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में गहरी संतुष्टि की एक चमक थी। टीचर बहुत ही खुश थी, सेटिस्फाइड थी, और ये सेटिस्फेक्शन वैसे ही थी जैसे एक कलाकार महसूस करता है जब उसके मास्टरपीस को पूरा करने के बारे में वो सोचता है। इसका मतलब टीचर भी एक आर्टिस्ट होता है जो अपने स्टूडेंट्स को मास्टरपीस में बदल देता है। भोली जो एक सिंपल लड़की थी, जो डरपोक थी, जिसे कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसे ये नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है, ऐसी भोली भाली लड़की आज अपने टीचर के दिए हुए नॉलेज से इतनी कॉन्फिडेंट और बोल्ड बन गई थी कि उसने एक ओल्ड ले मैन से शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था और उसने ये निर्णय ले लिया था कि वो अपने माता पिता की सेवा करेगी। तो इस तरीके से भोली अपनी टीचर की मास्टरपीस बन गई थी। तो बच्चों, यहीं पर ये इंटरेस्टिंग कहानी खत्म होती है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर।